गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा एक बात होता है, ट्रिगो पढ़ रहे थे ना? यस सर। बहुत सारा चीज पढ़े अभी तक? यस सर। चलो कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? आप लोगों को बताए थे कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो चार कंडीशन बताए थे ना? यस सर। पहला बताओ, tan a tan b इक्वल टू 1, ठीक है? cos a इंटू cos a इंटू cos a इक्वल टू 1, sin a इंटू sin b इक्वल टू 1, cot a इंटू cot b इक्वल टू 1, ये चार बताए। दो और बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। पढ़ते नहीं हो इसका? बहुत बढ़िया, व्यापार कैसे चलेगा, है ना जी? चलिए अब फिर हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पे हम लोग सीखे, ठीक है? बहुत सारा क्वेश्चन सीखे, बहुत सारा टाइप सीखे और इसका स्टैंडर्ड लेवल सीखे। अब हम लोग दूसरे आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तीन प्रकार की आइडेंटिटी आपको बताए थे, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोलना करो, फिर दूसरा पढ़ा रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और तीसरा क्या पढ़ाएंगे? हाँ बहुत लोग खाली वन बोल रहे हैं, चलिए आज वन जो है मान लो वन ही बोले तो वन को और भी बोलना है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी बोलना था शायद, फिर से बोलो तो अब इसको अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे इसको प्रूफ कर दीजिए तो प्रूफ कर सकते हो ना? आप इससे पूछो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताए हैं बार बार बताए हैं, डिवाइड किससे कर दे बताओ? एच स्क्वायर से। चलो इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया? वन हो गया। पी बटा एच क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और पी बटा एच क्या हो जाएगा? इसका मतलब तुम बहुत बड़ा गलती किए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के कहे हिसाब से चले, गलती हमसे हुई कोई बात नहीं है। फिर से मेरे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बताओ किससे कर दे? बी से कर दे, चलो बी से कर देते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो देख पा रहे हो कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एच बटा बी किसका होता है? एक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है? और इसको बढ़िया से आप कैसे लिखोगे? एक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस इसी आइडेंटिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अच्छा चलो जब जानकारी ले रहे हैं तो एक दो बात इसका भी लेते हैं, फर्स्ट है सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, बोलते रहना, ठीक है? आप ये बताओ कि इसमें टेन आ रहा है तो किस क्वाड्रेंट में टेन है? यहाँ पे टेन है, ठीक है, और पॉजिटिव है, ठीक है? कहाँ कहाँ पॉजिटिव है बताना है, और सेक कहाँ है? फोर्थ में। चलो फोर्थ में क्या है? और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ भी है टेन, यहाँ भी है टेन, यहाँ भी है, लेकिन ये सब पॉजिटिव में नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ टेन और सेक स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बराबर हमें से छोटा वाला घटाना है, देख रहे हो फोर्थ में से थर्ड घटाएंगे, ठीक है? फोर्थ का स्क्वायर माइनस थर्ड का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको लिखना कहीं नहीं, ठीक है? अब हम लोग मुख्य मुद्दा पे आ रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा कंडीशन है, छोटी सी बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी माइनस बी। आप ये बात देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है? आप सब सोच रहे होगे कि सर ट्रिगो पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए, अलजेब्रा में, लेकिन इसका यूज है, इसका यूज है, कैसे यूज है देखो,
ये भी तो ए स्क्वायर है, ये भी तो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं ना। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन, इधर लिख देते हैं। अगर बात करें सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालने की केवल वन बाई सेक थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात समझ पा रहे हो, अगर बात करते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, इतनी सी बातें समझे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू जो होगा वन बाई सेक थीटा। ये सब याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर है, आगे बढ़े। जरूरत कहाँ पे है सर इसका, तो देखिए जरूरत कहाँ पे कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, मान लो क्या है एक्स, और अगर तुमसे कोई कहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो कुछ नहीं, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मतलब यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दे दिया है, ठीक है, इसका मतलब अभी तो तुम जाने कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या थी वन, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एक्स दिया हुआ है तो इसको हटा दो और एक्स गुना में था तो इधर आके भाग मिल जाएगा डिवाइड में, इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू चार, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना, समझ पा रहे हो, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू फाइव तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना, पलट दिए, बात समझ में आया, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ रहे हैं। आ जाओ आगे, इतनी बातें समझ में आई, चलिए आगे बढ़े। अब देखो जैसे मान लो कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कह दिया फोर, क्वेश्चन क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू फोर, फाइंड आउट टेन थीटा या फाइंड आउट सेक थीटा, जो भी कह रहा है, अभी हम लोग समझ रहे कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हो, साइन का निकाल सकते हो, कॉस का, सेक का, कॉसेक का, जिसका भी चाहते हो उसका निकाल दोगे। अगर मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू फोर, मान लो तभी अभी सीखे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू फोर है, मान लो एक्स है, और भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक्स है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बटा एक्स, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, अरे बोलो फोर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, अरे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, टेंथ में पढ़े थे, तब देखो कैंसिल आउट हुआ, प्लस में था माइनस में कैंसिल आउट होगा ना जी, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, क्या को सेक थीटा, दो को सेक थीटा और एक्स प्लस वन बाई, तो आप देख पा रहे हो कि टू सेक थीटा का वैल्यू कैसे हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको पूरा भी सोल्व कर लोगे लेकिन काम यहाँ से ज्यादा अच्छा आएगा, जैसे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स वन बाई टू, और सोल्व कर लो पता चलेगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, यही सेक थीटा का वैल्यू आ गया। लेकिन आप यहाँ पर का कॉन्सेप्ट ज्यादा दिमाग में रखना, ये बहुत काम आएगा, जैसे मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू फोर, तब आपको तो क्लियर है कि सेक थीटा टू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर फोर है तो सेक थीटा का वैल्यू अगर निकालने चलेंगे तो फोर प्लस वन बाई फोर, तो फोर प्लस वन बाई फोर किसका वैल्यू है टू सेक थीटा, क्लियर है, फोर प्लस वन बाई फोर को तो हम मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, चार चौक सोलह एक सत्रह बटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा उधर टू मल्टीप्लाई में था ना डिवाइड में आएगा, तो सत्रह बट चार था डिवाइड में आया तो सत्रह बाई
इससे एक थीटा की वैल्यू निकल गया। अब टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो इसी कॉन्सेप्ट से, तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या वन बाई एक्स। अब देखो माइनस कर देंगे, ठीक है, ये सब सीखे हो ना, ये से कैंसिल हुआ तो क्या हो गया टू टेन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस वन। बस यहीं पे आप रुक जाओ, ज्यादा नहीं करो, कैलकुलेशन यहीं से आसान होगा। मान लो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4, अब फाइंड आउट क्या करना है tan थीटा, तो 2 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा 4 माइनस 1 बाई 4 होगा कि नहीं होगा, 4 माइनस 1 बाई 4 चार चौको 16 में से किया 15 बटा 4 इसका वैल्यू आया 2 tan थीटा का, इसका 2 tan थीटा का वैल्यू क्या गया 15 बटा 4, तो tan थीटा का क्या होगा 1 है। थिंक विदाउट है ना, सब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ मैथ चुटकियों में सोल्व होता है, होता होगा। आगे बढ़े, तो देखो ये भी चुटकियों में सोल्व हुआ कि नहीं, हुआ ना जी, पेन टच हुआ नहीं ना। अब तुम लोग सबके सामने और क्वेश्चन पूछते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3, तो sec थीटा का वैल्यू नहीं निकालोगे, 3 प्लस 1 बाई 3 3 3 9 1 10 बटा 3 10 बटा 6 5 बटा 3 हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अगर बोल दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5, तो sec थीटा का वैल्यू नहीं निकालोगे, 5 प्लस 1 बाई 5 बाई 25 26 बटा 5 26 बटा 10 13 बाई 5, कोई दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहे हैं ना? और बोले sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 6, अब देखो बहुत सारे आप तुम लोग जान गए तो हमको बोलने दे रहे हो नहीं ना, जैसे बोल दिए sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 6, ठीक है, तो sec थीटा की वैल्यू निकाल दोगे ना, सबसे पहले क्या सोचोगे 6 प्लस 1 बाई 6। अब स्मार्ट बच्चा इसे नहीं सोचेगा, उसे सोचेगा 6 6 36 37 बटा, है ना, तो क्या 37 बटा कितना हो गया 6, 37 बटा क्या हो गया 12, समझ में आया? तो ये बहुत ही क्वाइट इजी था ना, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? चलिए ठीक है, बढ़ जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को और भी अच्छा तरीका से पूछ सकते हैं, ठीक है, इसे पूछेगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ठीक है, क्या पूछ दिया 2 प्लस रूट 3, तो sec थीटा के वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, tan थीटा के निकाल सकते हो उसको, इतना जल्दी बहुत नदी का पानी पी क्या है। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो sec थीटा निकाल सकते हो ना, ये क्या चीज की जगह पे है तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस रूट 3, x प्लस 1 बाई x करोगे ना sec थीटा के लिए, सब फाइंड आउट करोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जरा इसको निकाल के सॉल्व करवाते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस रूट 3, और sec थीटा प्लस tan थीटा का क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, इसका हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, देख लो रेशनलाइजेशन करके, yes, sir. हो जाएगा ना, yes, sir. अब देखो तो हम ये सिखाए कि sec थीटा माइनस tan थीटा एकाएक 2 माइनस रूट 3 आ गया, 2 प्लस रूट 3 था, रेशनलाइजेशन किए 2 माइनस रूट 3 आ गया, और ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार समझाएंगे आपको, tan से tan कैंसिल, तो 2 sec थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है देख लो, sec थीटा क्या आ रहा है 2, ठीक है, और tan थीटा देख लेना रूट 3 आएगा, बात समझ में आ रहा है? अब देखो जब ये सब क्वेश्चन आ जाए ना 2 प्लस रूट 3 में, तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान काम हो गया, इसका आंसर जब भी कहे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो sec थीटा इक्वल टू 2 और tan थीटा इक्वल टू रूट 3, कैसे सर? sec थीटा का वैल्यू हमेशा tan थीटा से बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से तो यही किसी के लिए तो सोल्व किए, ये वाली तो यहाँ पे मैनेज रहेगा ना, कुछ भी रहेगा तो। अब देखो sec थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ,
क्या होता है पी बटा बी बड़े छोटा बी के टर्म में बताना तो कॉस थीटा बी बटा एच होता है ना ये क्या होगा एच बाई बी और टेन थीटा क्या होगा पी बाई बी तो आप देख पा रहे हो कि अगर पास होता चार है तो इसका वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा ना होगा अच्छा एच ए पांच है तो ये दोनों कम ना होगा ठीक है तो सेक थीटा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होता है टेन थीटा इसलिए तुरंत और आंसर पुट कर दिए सेक थीटा का वैल्यू क्या टू और टेन थीटा का वैल्यू क्या थ्री पांच समझ में आया स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन पे पूछा गया सबसे शानदार जबरदस्त क्वेश्चन ठीक है अब इसको बनाने का तरीका बहुत है ठीक है क्वेश्चन क्या है आप लोग देख पा रहे हो यस सर अच्छा देख पा रहे हो तो पढ़ पाओगे यस सर पढ़ो तो टू से फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए अब आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ क्वेश्चन में हम ऑप्शन दे देते हो मेरा ये सब क्वेश्चन को कहा जाता है एस डी सेम डिजिट ठीक है एकदम पूछेंगे तो यही अवतार में आएंगे बाबू ठीक है चलिए बनाते हैं इसको अच्छा एक बात बताओ जब टू सेक थीटा इक्वल टू टू ए प्लस वन बाई टू ए है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एज्यूम कर लो क्या है अच्छा मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए से एकदम सिंपल सिंपल हम ढंग से सीखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है वन बाई एक्स तो टेन से टेन कैंसिल कर देंगे इसमें कोई दिक्कत किसी को तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू एक्स हो जाएगा कोई दिक्कत बहुत कम सोच रहे हैं टू यहाँ कहाँ गया तो देखो यहाँ आ गया तो सेक थीटा का वैल्यू क्या निकाले बोल पाओगे ठीक है अभी क्वेश्चन में सेक थीटा का वैल्यू क्या है बताओ सेक थीटा का वैल्यू है फोर ए अच्छा यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू है ए प्लस वन बाई फोर ए और यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू क्या है इसका मतलब ये है कि पार्शियल पढ़ोगे तुम लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे ये जो है इसके बराबर ठीक है जब एक्स वाई टू जो है ए के बराबर एक्स किसके बराबर है बाबू क्लियर है सर वन बाई टू एक्स किसके बराबर है बाबू वन बाई फोर तो देखो ना दो दूनी एक्स का वैल्यू हर एक केस में सेटिस्फाइड क्या कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या होगा टू ए टू ए तो सेम डिजिट है तो आंसर हमेशा इतना बनाओगे आंसर क्या कर लोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना तो ये पहला तरीका अब दूसरा तरीका में आते हैं दूसरा तरीका जो है कुछ नहीं है अभी अभी हम लिखे थे ना सब कुछ ट्रिक क्या होता है जंप मार देना सीढ़ी से ये हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे सिक्स फ्लोर पे है ना हम लोग सिक्स फ्लोर पे एक्चुअली अब यहां से नीचे उतरना है शॉर्टकट अपनाना है कुछ नहीं उधर हो गया शॉर्टकट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तब हम कूदेंगे जैसे मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स तो सेक थीटा की वैल्यू तुरंत ना लिखेंगे एक्स बाई टू प्लस वन बाई आई कूदे घड़ी थोड़ा ध्यान देना है कि नहीं कूदा के पैरू तोड़ लिए ठीक है तो अब इसको से कंपेरिजन भी करना है ये एक सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू वन बाई टू एक्स है यहाँ से भी सेक थीटा निकाल देंगे सेक थीटा निकाल देंगे क्या आ जाएगा बताओ अच्छा एक चीज और कर सकते थे यहाँ से टू सेक थीटा का ही वैल्यू रहने देते यहाँ से टू सेक थीटा हो जाता है एक्स प्लस वन बाई एक्स और यहाँ क्या हो गया टू ए प्लस वन बाई टू एक्स कंपेरिजन करते हैं यहाँ से भी आंसर आप देखो यहाँ से भी आंसर एक्स इक्वल टू इससे टू ए इसको से समझ में आ गया ये था दूसरा तरीका ठीक है जो आपको हम गुड़बक बनाए मूर्ख बनाए ठीक है तीसरा तरीका में आते हैं तीसरा तरीका क्या है कि अगर ए का वैल्यू आप क्या पुट कर दो वन ये क्या हो गया ये ऑप्शन में ए की जगह पे हम वन केवल पुट करके देखते हैं कि क्या होने जा रहा है तो टू से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ टू टू प्लस वन बाई तो ये क्या हो गया पांच बाई दो ठीक है अब ये क्या हो जाएगा पांच चार ये जो मिटा रहे हैं ना मतलब ये सोच रहे हैं
इमिटाना है जो तुमको सोचना है, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 5/4। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? बी का मतलब क्या है? 3 हो गया। बस इसी का वैल्यू निकालना है। सेक थीटा क्या? बी बटा 5/4। अच्छा, एच बाई बी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 5/4। अच्छा, एक बात बताओ, tan थीटा पी बाई बी, तो पी क्या है भाई? और बी क्या है? सोच करो क्या है। और ए की जगह पे 2 मारे थे तो आंसर क्या हो गया? 2। ये भी अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि sec थीटा, जब भी क्वेश्चन है 2 sec थीटा इक्वल टू ए प्लस 2a प्लस 1/2a sec थीटा प्लस tan थीटा, आंसर क्या थी? 2। क्लियर है? और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।